अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज बनाते हैं बादाम चिकन, जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाता है और टेस्ट में तो ये लाजवाब है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने हाफ के जी चिकन लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। एक मिक्सिंग बाउल में मैंने इसे कर दिया है ताकि ये अच्छे से मसाले मिला सकें। दो मीडियम साइज के टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है, उसे डाल देते हैं। 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 5 काजू और 9 बादाम का मैंने पाउडर बना लिया है, उसे डाल देंगे। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे 1/4, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, 1 कटोरी हम इसमें दही डालेंगे, इसका वेट लगभग 100 ग्राम है और इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद कम से कम हम 2 घंटे के लिए इसे रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाएं। और ऐसा करने से हमारे चिकन में जल्दी से गलावट हो जाएगी और हमारा जब चिकन बनाएंगे तो वो जल्दी से बन जाएगा, टाइम कम खर्च होगा। तो हमारे चिकन को 2 घंटे हो गए हैं, अब इसे हम पकाएंगे। तो हम गैस पर एक कढ़ाई रख रहे हैं और उसमें हम सरसों का ऑयल डाल रहे हैं। सरसों का ऑयल डाल रहे हैं हम लगभग 150 ग्राम। ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं या जो खाते हैं। और इसमें धुआं निकल चुका है, यानी इसकी स्मेल निकल चुकी है। गैस को हमने स्लो कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच दालचीनी का पीस, 2 हरी इलायची, 2 तेज़पत्ता। मसालों के चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉपर में बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो कद्दूकस से भी इसे ग्रेट कर सकते हैं। अब प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को डार्क नहीं करना है, बस लाइट ही फ्राई करना है। तो प्याज हमारे यहाँ फ्राई हो चुकी है। चिकन जो हमने मसाले मिलाकर रखे थे उस चिकन को डाल देते हैं। चिकन डालने के बाद हम अच्छे से ऑयल में इसे मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट पकाएंगे और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन और मसाले अपना पानी छोड़ देते हैं। इसलिए ढककर हम इसे मीडियम आंच पर 10 मिनट पका लेते हैं ताकि इसका जो पानी है वो भी सूख जाए और इसमें हमारा चिकन भी गल जाएगा। तो इसे ढक देते हैं और 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा चिकन अच्छे से पक रहा है और इसमें जो पानी है वो भी सब सूख गया है और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। इसे हम थोड़ा सा और भुनेंगे। थोड़ा सा तो ये भुन चुका है। तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप जब भी नॉन वेज बनाएं तो जब मसाला ऑयल छोड़ता है उसके बाद भी आप 5-6 मिनट अच्छे से भुनें, क्योंकि नॉन वेज के मसाले को आप जितना भुनेंगी आपकी डिश उतनी ही मज़ेदार बनेगी। 4-5 हरी मिर्च को मैंने बीच में से चीर कर डाल दिया है और लगातार चलाते हुए हम 4-5 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे। पानी जहाँ हमें लगे सूख गया है तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे भूनेंगे। मसाला जितना भूनेंगे जैसा कि मैंने बताया उतना ही हमारा चिकन अच्छा बनेगा। तो मैंने 4-5 मिनट इसे अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल मसाला फटाफटा से लगने लगा, यानी मसाला बहुत अच्छा भुना है। तो मसाला भुन चुका है, यह तो हमारा यानी चिकन गल भी चुका है और चिकन हमारा यहाँ तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जितनी भी आपको ग्रेवी रखनी है उतना डाल दीजिए। वैसे ये वाला चिकन जो होता है एकदम भुना भुना सा ही रहता है, बस थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा डालना है तो डाल सकते हैं। 1/2 टी स्पून इसमें मैं गर्म मसाला डाल रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद इसे ढककर हम सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे ताकि गरम मसाले की खुशबू इसमें आ जाए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, खोल कर देख लेते हैं। तो हमारा चिकन यहाँ बनकर तैयार है। गैस को हम ऑफ कर देंगे और देखिए अच्छा सा हमारा चिकन बन चुका है। अब इसे सर्व कर लेंगे, गर्मा गर्म इसे सर्व करें। तो आपने देखा ना कितनी आसान रेसिपी है
और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपका कैसा बना। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।